देखिए पूरी जो चेन है बहुत गंदी हो चुकी है। गाइस तो आज के वीडियो में हम करेंगे हमारी चेन क्लीन जो बहुत गंदी हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पूरी जो चेन है बहुत गंदी हो चुकी है। और एक स्मूथ राइडिंग के लिए आपकी क्लीन चेन क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो ऑफ क्लीनिंग द चेन। सो हम प्रोडक्ट्स जो यूज़ करेंगे वो होगा एक डीग्रीसर, लूप लूप का है, और एक ग्रीसर, एक ओल्ड टूथब्रश और एक पोंछने के लिए कपड़ा। डीग्रीसर का पहला कोट लगाएं और चेन को 4-5 बार रोटेट करें। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कोट ऑफ डीग्रीसर लगा दिया है और इसे लगाने के बाद 5 मिनट आपको रखना है ताकि वो जो भी गंक और ग्रीस है उसे प्रॉपरली डिसॉल्व करे और वो नीचे सब गिर जाए। ये देखिए ये सब निकल चुका है, इसे 5 मिनट तक रखना है आपको। डीग्रीसर के फर्स्ट कोट के बाद सेकंड कोट लगाएं और चेन को अच्छी तरह से टूथब्रश से साफ करें। जॉकी व्हील को भी टूथब्रश से अच्छे से साफ करें। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा फर्क आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो जॉकी व्हील है वो भी बहुत साफ़ हो गया, पहले पूरा ब्लैक था, अब देखिए उसका असली कलर रेड आ गया है। अब वक्त है जो डीग्रीसर लगाया है उसे पूरा प्रॉपरली क्लीन करने का, क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे क्लॉथ और उससे हम वाइप कर देंगे इसे। अब हमारी क्लीन चेन पे हम ग्रीस स्प्रे करेंगे और चेन के 4-5 रोटेशन करेंगे ताकि जो ग्रीस है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसे लगाने के बाद 5 मिनट के बाद तो उसे एक क्लीन क्लॉथ से जो एक्सेस ग्रीस है उसे वाइप कर लीजिए। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जो चेन है वो बहुत ही क्लीन हो चुकी है और एक स्मूथ राइडिंग के लिए रेडी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और राइडिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।